माय चैनल लवली सिंगल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय एवरीडे मेकअप ब्लॉग्स, जो कि मैं रोज़ करती हूँ। मतलब ये मैं करती रहती हूँ, लाइक मतलब मैं बीबी क्रीम रोज़ नहीं यूज़ करती, बट जब मेरा कुछ शूट का प्लान होता है तब मैं बीबी क्रीम यूज़ करती हूँ। एंड मैं आपको बताती हूँ मैं क्या क्या करती हूँ पूरे दिन। सो ये बहुत रैंडम सी वीडियो एक्चुअली, पता ही चल रहा होगा आपको, वो सेटअप नहीं है पीछे, दैट्स व्हाई ऐसा हो रखा है अभी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ कि मैं अपने एवरीडे मेकअप कैसे करती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं अप्लाई करती हूँ टोनर, नो मैटर वॉट, वो तो मैं नहाने के बाद ही अप्लाई करती हूँ टोनर। मैंने अपना टोनर अच्छे से अप्लाई कर लिया। एज यू कैन सी बैकग्राउंड बहुत आवाज़ आएगी, प्लीज़ उसको इग्नोर करना, बहुत रैंडम सी वीडियो है। सो इसके बाद मैं अप्लाई करती हूँ मॉइस्चराइजर। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ निव्या का सॉफ्ट हाफ वन। ये मेरे मूड पे डिपेंड करता है, कभी कभी मैं जॉनसन बेबी क्रीम एज मॉइस्चराइजर यूज़ कर लेती हूँ, कभी निव्या का यूज़ कर लेती हूँ। सो एज यू कैन सी मैंने जो अपना मॉइस्चराइजर है वो काफ़ी अच्छे से अप्लाई कर लिया है। इसके बाद मैं अप्लाई करने वाली हूँ अपना लिप बाम। स्किन केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं स्किन केयर से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। सो इसके बाद मैं यूज़ करी हूँ वादी हर्बल का लिप बाम, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लिप बाम है। लाइक पहले मुझे एकदम पसंद नहीं आया था, पर थोड़े टाइम बाद मुझे इतना ज़्यादा पसंद आने लग गया ना, आई कैंट इवन टेल यू गाइस। मैंने लगा लिया है लिप बाम। आज मेरा प्लान है थोड़ा सा बीबी क्रीम यूज़ करने का, बिकॉज आज मुझे थोड़ा सा शूट करना है। बेसिकली रोज़ मैं शूट करती हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा कंटिन्यूसली मेरी वीडियो आई जा रही है, हर दिन आई जाती है, कभी कभी नहीं आती है। उस दिन मैं बहुत थक जाती हूँ तो मैं नहीं बनाती, और उस दिन एडिट करनी होती है। तो आज मैं बीबी क्रीम लगाऊंगी। पे मैं यूज करने वाली हूँ पॉन्स की बीबी क्रीम, दिस वन एज यू कैन सी। तो ये वाली मैं यूज करूंगा, आई एम द शेड 01 ओरिजिनल। एंड मैं इसे अच्छे से लगा लूंगी, हल्का हल्का कंसीलिंग। बस ये अपने शेड का यूज करो, ट्राई करना। अगर आपका मीडियम टू डार्क स्किन टोन है तो 02 यूज करना, बट अगर आप थोड़े लाइट स्किन टोन के तो आप 01 यूज करो। आप मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। बेसिकली आज मुझे रोज इतना मेकअप कोई नहीं करता, तो आज मुझे थोड़ा सा नेचुरल कवरेज चाहिए। तो या आज मैं ये वाले ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर रही हूँ। मैं इसके बाद ब्रोज को फिल करूँगी, क्योंकि ब्रोज मेरी बहुत ही लाइट है, कैन यू सी गाइस, बहुत ही ज़्यादा लाइट है, तो मुझे ब्रोज को फिल करना ही पड़ना पड़ता है। बस मैं इतने ही लगाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं। मैं ज़्यादा भी फिल कर सकती थी, बट ये कोई ग्लैम स्लैम नहीं है, जस्ट मैंने फिल कर दी। जहाँ जहाँ मुझे स्पेस लगी मैं वहाँ वहाँ फिल कर देती हूँ बस। इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ लूज पॉलर, ये है मेकअप रेवोल्यूशन का। ये मैं इसलिए अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि आज वीडियो बनानी है, बट मैं ये डेली अप्लाई नहीं करती। या फिर मैं बीबी क्रीम अप्लाई करूँगी या फिर लूज पॉलर, ये भी ऑप्शनल है। मैं इसे लगा के छोड़ दूंगी थोड़ी देर तक, मतलब 2-3 सेकेंड के लिए, तब तक हम लगा लेते हैं ब्लश। मस्कारा के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ग्लॉसल का मस्कारा, दिस वन बहुत ही अच्छा है। इसकी वॉन्ट बहुत अच्छी लगती है, लाइक वॉल्यूम दे देता है, लेंथ इतनी पसंद नहीं है मुझे, तो मैं थोड़ा सा नीचे भी लगा लूंगी। गाइस हाउ प्रिटी इट इज लुकिंग,
बस हो गया है मेरा मेकअप। तो थोड़ी सी मैं लिपस्टिक लगाने वाली हूँ। गाइस ये है मेरा आउटफिट। अब मैं लगाने वाली हूँ बिंदी। मेरे पास प्रॉपर बिंदी नहीं है तो मैं